हमारा सबसे पावरफुल वेपन है टाइम, क्योंकि ये हमेशा चलता रहता है, और जो इसके साथ चलना सीख गया, इस पर कंट्रोल करना सीख गया, वो सबसे पावरफुल बन जाता है। नेचर हर चीज़ बना सकती है और हर चीज़ मिटा सकती है, लेकिन टाइम को नहीं। ये लगातार अपनी स्पीड से चलता रहता है। सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, फिर भी कोई सक्सेसफुल होता है तो कोई अनसक्सेसफुल। आज की बुक समरी से हम लोग टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है गिव इम्पोर्टेंस टू टाइम। हम सब एक सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं, एक हैप्पी लाइफ चाहते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। इन सब के लिए हमें अपनी लाइफ में कंट्रोल पाना होगा, और लाइफ में कंट्रोल पाने का मतलब है अपने टाइम पर कंट्रोल करना होगा। अगर आप सक्सेसफुल हो भी चुके हैं, फिर भी हमें अपने टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। आपको अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी होगी। आप अपना गोल देखिए, फिर देखिए आप अपना एक दिन कैसे बिता रहे हैं। क्या आप वो सब कर रहे हैं जो आपको आपके गोल के पास ले जा रहा है, या सिर्फ अपना टाइम यूजलेस चीज़ों में ही बर्बाद कर रहे हैं। अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम मैनेज करना होगा। जो चीज़ आपको आपके गोल तक पहुंचा रही है, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रही है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और आपको सबसे पहले वही काम पूरा करना चाहिए जिससे आप अपना टाइम मैनेज कर सकें और उसका सही यूज़ कर सकें। अब है स्ट्रैटेजीज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप तभी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जब आप अपनी लाइफ को लेकर अवेयर हों। यहाँ अवेयर का मतलब है जब आप खुद को एनालाइज कर लें। हमें पता होना चाहिए हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। क्या जो हम कर रहे हैं वो हमें हमारे गोल तक पहुँचा रहा है? क्या हम सक्सेसफुल हो रहे हैं, या बस हम लगातार काम किए जा रहे हैं? इस तरह के क्वेश्चंस आपको खुद से करने होंगे, और फिर पूरी ऑनेस्टी से उसके आंसर्स भी देने होंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कहाँ कमी आ रही है, जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इस पर एक बात आती है, रिएक्टिव रिस्पॉन्स। रिएक्टिव रिस्पॉन्स से मतलब है आपको तुरंत रिएक्ट करने से बचना होगा। तुरंत रिएक्ट करना क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए, आपके फ़ोन पर एक कॉल आता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उसे रिसीव कर लिया, और जो आपकी प्रायोरिटी थी उस काम को छोड़ दिया। यहाँ पर आपने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इसे ही रिएक्टिव रिस्पॉन्स कहते हैं, बिना सोचे रिस्पॉन्स कर देना। हमें अपनी प्रायोरिटीज सेट करके अपने काम को करना होगा, जिससे हम टाइम वेस्ट करने से बच सकें, और साथ ही रिएक्टिव रिस्पॉन्स देने से भी बचना होगा। इससे आप अपने टाइम पर कंट्रोल करना सीख पाएंगे, और जहां आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो बंद कर पाएंगे। अब है क्लियर गोल। जब गोल डिसाइड करने की बात आती है, तो हम दूसरों के गोल्स को देखकर अपने गोल्स डिसाइड करने लगते हैं, लेकिन ये गलत है। आपकी एबिलिटीज़ और टैलेंट कुछ और हो सकता है, जबकि दूसरे का कुछ और। तो कैसे आप अपने फ्रेंड को देख करके अपना गोल डिसाइड कर सकते हैं? आपको अपनी हॉबीज़ और अपना टैलेंट देख करके गोल डिसाइड करना चाहिए। कुछ लोग बिना अपनी एबिलिटीज़ जाने अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, और बार बार फेल होने की वजह से फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। इसलिए पहले आप खुद को जान लीजिए, आपको क्या पसंद है, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। खुद को अच्छे से एनालाइज़ कर लीजिए। जब आप खुद को एनालाइज़ कर लेते हैं, तो ये आपको आपका गोल डिसाइड करने में काफ़ी मदद करता है। जब आप अपना गोल डिसाइड कर लें, तो उस पर बिलीव भी करिए कि मैं ऐसा कर लूँगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इससे आप खुद के रिस्पेक्ट करने लगेंगे और खुद को बेटर बनाने में लग जाएंगे। अगर आप अपनी लाइफ को और टाइम को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, तो आपको गोल डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। अब है फ्यूचर स्केच। इसमें आपको खुद से 4 क्वेश्चंस करने हैं। क्या है वो क्वेश्चन, चलिए जानते हैं। पहला है एनालाइज योर अचीवमेंट। इसमें आपको अपनी अचीवमेंट्स को एनालाइज करना है। आपको देखना है कि जो आप कर रहे हैं वो आपको आपके लक्ष्य की तरफ पहुंचा रहा है या नहीं। खुद से ये क्वेश्चन आपको करना है। अब है डिसीजंस। क्या आप अपने डिसीजंस और सिलेक्शन सही कर रहे हैं? क्या आप सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन सही ले रहे हैं? आपको वो आपके गोल की तरफ पहुंचा रहा है? ये आपको अपने आप से पूछना है। इससे आप अपने डिसीजन लेने की हैबिट को भी सुधार पाएंगे। थर्ड क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड है। इसमें आपको अपना फ्यूचर स्केच तैयार करना है। आप अभी खुद को कहाँ देखते हैं और फ्यूचर में कहाँ देखना चाहते हैं, ये आप डिसाइड कर लीजिए। इसका एक स्केच आप तैयार कर लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन प्रोफेशन से रिलेटेड है। आप खुद से पूछिए कि जो आपने गोल डिसाइड किया है वो आप किस प्रोफेशन से पूरा कर सकते हैं, आप किस प्रोफेशन में जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो आपको फैशन डिजाइनिंग के ही प्रोफेशन में जाना होगा। इसी तरह आप अपना प्रोफेशन अपने गोल्स को देख करके चूज करिए। ऑथर कहते हैं, जब आपको क्लैरिटी से सब कुछ पता चल जाएगा, तो आप अपनी लाइफ में इजीली सब कुछ अचीव कर सकते हैं।
इसलिए अपने बारे में अच्छे से जान लीजिए, अपने से क्वेश्चन भी कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अब है प्लानिंग, आपको पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। अब आप दो लिस्ट बनाइए, ए और बी। ए में आप वो सब लिखिए जो आपको आपके गोल की तरफ पहुंचा रहा है, और बी में जो चीज़ें या आदतें आपको आपके गोल से दूर कर रही हैं वो लिखना है। फिर आपको ए लिस्ट पर फोकस करना है, जो चीज़ें आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा रही हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी लिखते रहिए, इससे आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कहां तक पहुंचे हैं, आप अपनी वीकनेसेस को ख़त्म कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही पूरी प्लानिंग करिए, और प्लानिंग के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है। एक्शन से मतलब है एफर्ट्स भी करते जाइए और खुद को इम्प्रूव करते जाइए। अब है एक्सरसाइज, इसमें आपको एक एक्सरसाइज करनी है। क्या है वो एक्सरसाइज, चलिए जानते हैं। आपको एक पेपर लेना है और जो भी आप फ्यूचर में पाना चाहते हैं ऐसी 10 चीज़ें लिख लेनी है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस से मतलब है अगर आपको जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आपको लिखना है कि मेरा प्रमोशन हो रहा है। सिंपल और पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको लिखने होंगे जिससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगे। जितना सिंपल रहेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड उतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और लिखी हुई चीजें जब आप बोल बोल कर पढ़ेंगे बार बार, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा और उसे पूरा करने में लग जाएगा। तो ये एक्सरसाइज आप लोग जरूर करिए। अब है एडिक्शन, जब से मोबाइल हम लोगों ने हाथ में लेना स्टार्ट किया है तब से हम लोग इससे कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके एडिक्टेड हो गए हैं और अपना प्रोडक्टिव टाइम इस पर लगा रहे हैं। इसलिए आप इसका यूज केवल अपने बेनिफिट के लिए करिए, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस देखिए, नई नई चीजें सीखते रहिए, और जो भी आपका गोल है उससे रिलेटेड चीजें सीखते रहिए, लेकिन आप इसे टाइम वेस्ट में मत लगाइए। तो यही थी इसकी बुक समरी। इस बुक को पढ़िए और इसमें दी गई चीजों को अपनी लाइफ में लाइए जिससे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी बुक रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।